स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि कहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आज शाम होते होते तक अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि कर दिया गया है और सारे अफवाह को विराम लग गया। और यहाँ पर देखें कि क्या यहाँ पर टोटल नोटिस है। तो यहाँ पे विभिन्न विभागों में पद का नाम एवं वेतन पे मैट्रिक्स के अनुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ यहाँ पे दिखाई गई है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टोटल यहाँ का अगर सीट बात करें तो टोटल लगाकर, जिसमें सारे रिजर्व कैटेगरियाँ अनरिजर्व कैटेगरियाँ टोटल हैं, उसमें लगाकर 434 पदों के लिए आवेदन निकाला गया है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता हम सभी जानते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। यानी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची वन प्रपत्र वन में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए कोटि कोड यहाँ पे सब दिखा दिया गया है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उनके अंतरिक्षा साक्षात्कार की तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों कब से फॉर्म फिलअप होगा वो भी मैं इस वीडियो में बात करता हूँ और कितना फीस है। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये हैं, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए 150, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। और यहाँ पे वही है, 150 प्रश्न होंगे, प्रश्नवार व विकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन करना होगा। यानी इस बार सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे लिखा गया प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा। इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय कोड यहाँ पे दे दिया गया है। टोटल वैकल्पिक विषय 34 है और उनका कॉरस्पॉन्डिंग उनका कोड है। और यहाँ पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की तिथि आपका 10/7/2019 से 24/7/2019 तक है। यानी 10 जुलाई 2019 से 24 जुलाई 2019 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि आपका 30/7/2019 तक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे दिखा रहा है 6/8/2019 तक है। यानी कि आप अगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 10/7 से 24/7 तक बीच में, और ऑनलाइन आवेदन आप 6/8 तक, फाइनल अंतिम तिथि है आवेदन भरने का, लेकिन रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि 24/7 तक ही है, ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके अगली तिथि को पूर्वाहन 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, उसके बाद कुछ देर वेट कर लीजिएगा अगले दिन तक, अगले दिन 11 बजे तक, उसके बाद आपका परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए लिंक आ जाएगा। उसके बाद आपको लिंक पे जाकर ऑनलाइन भुगतान कर देना होगा। फिर उसके अगले दिन 11 बजे तक वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया जाएगा। यानी कि 24 घंटे के बाद आपको, जनरली 11 बजे यहाँ दिख रहा है, लेकिन 11 बजे के बाद कभी भी आपका लिंक उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा, और ये पूरा प्रोसेस जो है आपका प्रीवियस जो 64वीं BPSC की तरह था वही प्रोसेस है, और सब कुछ यहाँ पे वही अपनाया गया है।
यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निर्देश है, अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदक को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसे डाउनलोड कर लेना होगा और अपने पास ही रखना होगा, इसे आयोग के पास स्पीड पोस्ट नहीं करना है दोस्तों। साक्षात्कार के समय आपको सारे रिकॉर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे था ये पूरा न्यूज़, आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं पूरा, और एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ के देख लीजिएगा फिलअप करते समय, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में सारा डिटेल बता दिया है, कितनी वैकेंसी है, कब से फिलअप होगी, कितनी फ़ीस है, जो भी महत्वपूर्ण लगभग था वो बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक चीज़ वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।